बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोटराम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी इस वक्त आपको बता दें कि काफ़ी सज्जता है और काफ़ी मेहनत से और काफ़ी तैयारियों के साथ आपको बता दें कि तैयारियों में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी पूरी कोशिश इस वक्त कर रही है कि 2022 में उनकी सरकार किसी भी तरीके से बने, और इसके लिए आपको बता दें कि उन्होंने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों 5 सीटों का ऐलान किया गया था और अब आपको बता दें कि एक बार फिर से 5 सीटों का और ऐलान कर दिया। हालांकि जैसे ही पल पल की अपडेट आती है, अंबेडकर पीपल्स वॉइस आपको बता दें कि पूरे देश भर में सबसे पहले खबरें दिखाता है। लेकिन आपको मैं जानकारी देने की कोशिश करूं तो 5 और सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसमें आपको बता दें बाराबंकी सदर की सीट है, चकिया विधानसभा सीट है, सरोजनी नगर है, लखनऊ उत्तर है और कादीपुर की जो सीट है वहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपने 5 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हम आपको बताने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाराबंकी सदर से डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा को आपको बता दें कि टिकट देकर फाइनल प्रत्याशी बनाया। डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा आपको बता दें कि एक नेत्र रोग विशेषज्ञ पर डॉक्टर है, आँखों के डॉक्टर है, और उनको आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा चकिया जो विधानसभा सीट है वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विकास कुमार गौतम को टिकट देकर मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि सरोजनी नगर में जलीश खान को आपको बता दें कि प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसकी ऐलान नौशाद अली भीमराव अम्बेडकर, जो कि यहाँ के MLC भी है और इस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर, मंडल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने आपको बता दें कि इसके ऐलान किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ उत्तर का भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है वो घोषित कर दिया है। लखनऊ उत्तर से आपको बता दें कि सरवर मलिक को बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो कादीपुर सीट है, कादीपुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि हीरा लाल गौतम को प्रत्याशी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा 2022 को लेकर तैयारियां जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी इसी कोशिश में जुटी हुई है कि एक बार फिर से उन्हें सत्ता हासिल हो। APB न्यूज़।